लो आ गए हम, अब होगा फन, कुछ भी नहीं होगा फेक, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑल इन वन टेक। नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल लोग बाग दिखने लगे हैं अचानक बूढ़े, हो गए हैं अचानक बूढ़े, और सोशल मीडिया पर अपनी ये फोटोज कर रहे हैं पोस्ट। दोस्तों यह कमाल है एक ऐप का जो है फेसएप। यह ऐप यानी फेस ऐप बनी तो 2017 में थी, किंतु वायरल हुई अभी 2019 में, कुछ समय ही पहले। लेकिन दोस्तों आप मजाक मजाक में अपनी फोटोज तो कर रहे हैं पोस्ट, वह भी बुजुर्ग होने की, लेकिन इस ऐप के हैं बहुत सारे खतरे। ये खतरे क्या है? आप बुजुर्ग होने के साथ साथ वास्तव में कमज़ोर भी हो जाएंगे यदि इस ऐप का करेंगे यूज़। मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला खतरा कि इस ऐप में जब आप फोटो को पोस्ट करते हैं, उस समय जो परमिशन मांगी जाती है उसमें साफ लिखा है कि इस फोटोज़ का यूज़ किसी भी रूप में कर सकते हैं। यानी आपने परमिशन दे दी कि आपकी फ़ोटो को यह ऐप किसी भी रूप में कमर्शियल यूज़ में या और भी किसी अन्य प्रकार से यूज़ कर सकती है। यानी आपने अपना डेटा दे दिया है फेस ऐप के हाथ में। दोस्तों जब भी आप अपनी फ़ोटो को इस फेस ऐप के जरिए बनाते हैं तो यह फ़ोटो गैलरी में सेव ना होकर सेव होती है फेस ऐप के सर्वर पर, और ये आपके फ़ोटोज़ का कर सकते हैं मिसयूज़। दोस्तों हालांकि फेस ऐप कहता है हम 48 घंटे में इस फोटोज़ को डिलीट कर देते हैं, लेकिन हो सकता है बाद में आपका डेटा चुरा लिया जाए, तो सतर्क रहें। दोस्तों आप अपने आप को बूढ़े ना दिखाएं, क्योंकि आपके पास वाली भर जाएगी और कोई दूसरी मिलेगी भी नहीं। हाँ देख लेना दोस्तों। तो इस तरीके से आप फेस ऐप का यूज़ कर ऐसा ना करें कि जो पास में है वह तो भर जाए और साथ में दूसरी भी ना मिले, क्योंकि आप तो हो चुके हैं बूढ़े। दोस्तों इस ऐप से कुछ सेलिब्रिटीज़ भी जुड़ गई, और सबसे पहले जिन सेलिब्रिटीज़ ने अपने बुढ़ापे की फ़ोटो पोस्ट करी वो थे वरुण धवन और अर्जुन कपूर। यानी इनकी तो लगी बाट, क्योंकि इनकी वाली तो अब भग जाएगी दूसरे के पास। सतर्क रहें दोस्तों, यह ऐप आपके डेटा को कर रहा है चोरी। तो मजाक मजाक में आप अपना सारा डेटा इस ऐप के हवाले कर रहे हैं। ये एंड्रॉयड मुझे ऐसा लगता है जैसा ये खुद नंगा है, यह भी आपको ना कर दे तो सतर्क रहें, क्योंकि अभी सूरत की एक घटना घटी कि एंड्रॉयड टीवी ने उनके बेडरूम का सारा हाल उतार लिया। तो आप भी समझ जाएं, इस तरीके से आप अपना डेटा ना दें। जब आधार कार्ड की बारी आई थी तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी कि हम अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहते, किंतु मजाक मजाक में करोड़ों लोगों ने अपना डेटा इस फेस ऐप को दे दिया। वीडियो में इतना ही था, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपनी वाली का ख्याल रखना। लाइक जरूर करना, कमेंट्स कर देना, और इसी तरीके से नए नए वीडियो को देखने के लिए ऑल इन वन टेक को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।